पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये चौथा रोज है। इस रोज हम सुबह 6 बजे अपने ट्रैक का आगाज कर चुके हैं। इस रोज हमें पास करना है और इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के रीजन में इंटर हो जाएंगे। ऑलरेडी ये पास मैं कल कर चुका हूँ इलाका सर्वे करने की गर्ज से। एक पास इस तरफ और एक पास इस तरफ हो सकता है। इस तरफ वाला पास रियाट की तरफ और जबकि इस तरफ वाला पास गुशाट की तरफ। ऑन द वे टू सुजन वाला पास फ्रॉम कश्मीर साइड टू अप्रोच द गिलगित बल्तिस्तान। स्टार्टेड ट्रैकिंग अर्ली इन मॉर्निंग। हसन भाई इज कम्प्लीटली मोटिवेटेड। हाँ जी सर, ओके हैं? एवरीथिंग ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त दोबारा मैं इस पास पर पहुंच चुका हूँ। हसन भाई और कुमरान भाई थोड़ा पीछे हैं, उम्मीद है तकरीबन आधे घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे। यहाँ से ये वादी नीलम का व्यू देखा जा सकता है। अलबत्ता वैली ज़्यादा क्लियर थोड़ा इस तरफ से होगी। यहाँ से ये वैली दिखाई दे रही है जो कि मरनाट या फलवाई से तकरीबन 1 से 2 दिन की ट्रैकिंग की मुसाफत पर मौजूद है। ये खूबसूरत वैली है, इसके सराउंडिंग्स में खूबसूरत लेक्स मौजूद हैं। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से वादी नीलम का। और इस तरफ भी ये वादी नीलम का रीजन है और डेफिनेटली आगे इंडिया का रीजन होगा। इस तरफ गिलगित बल्तिस्तान का रीजन है। अलबत्ता यहाँ से ताओबाट और इस तरह के रीजन्स को भी अप्रोच किया जा सकता है। दो इंडिकेटर्स पत्थरों से रखे हुए हैं दोनों अतराफ जो कि एक इंट्रेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। ये इंट्रेंस है, ये एक मसीहरीज वैली है जहाँ से गिलगित बल्तिस्तान को अप्रोच किया जा सकता है। और यहाँ से इसका व्यू देखा जा सकता है। यहाँ से होते हुए हम चिल्ला और फिर मिनी मर्ग पहुँचेंगे। उम्मीद है कि हमें आज शाम को या कल गाड़ी मिल जाएगी चिलम पहुँचने के लिए। इन पहाड़ों के सराउंडिंग्स में कुछ लेक्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे अगर हम इस पास को क्रॉस करें शायद टॉप से इनका व्यू भी मुमकिन हो। अलबत्ता इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। यहाँ से एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है, उसके बाद सरसब्ज़ शादाब वैली है जो दूर दूर तक फैली हुई है। वैली के बीच नाला बह रहा है।
हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? यहाँ से भी पहुँचा जा सकता है उस पास पे? क्या आते हो? इट वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस। क्या आते हो, क्या अगला क्या प्लान होना चाहिए भाई? मैं तो कहता हूँ अभी थोड़ी देर ऐसी खजूर वगैरह खाते हैं, एनर्जी थोड़ी गेन करके चलते हैं। फिर प्रॉपर केक और चाय वगैरह? नहीं, वो नीचे जाके थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, भूख नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। भूख नहीं, हाँ पानी खा लेते हैं और चलते हैं नीचे, थोड़ी भूख भी लग जाएगी। केक और फिर चाय वहाँ भी बना लेते हैं। टांग की क्या सूरत है? टांग की सिचुएशन बेहतर है, बस ये एक रास्ता का थोड़ा प्लेन मिल जाए, मिलता रहे ना तो आगे इंशाल्लाह फिर ठीक है। ये एक घंटे की एक नीचे उतर आई है वो कल असल में ना, बिल्कुल वो जो चढ़े ना वो बिल्कुल पत्थरों पे पत्थर उसने बहुत ज्यादा डैमेज स्लोगन दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जन्नत है नजीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, मुजम्मिल हुसैन जिंदाबाद। 10-15 साल हो गए जड़ी बूटियां चुनते हुए। कश्मीर में किस जगह से हैं? वादी नीलम फलोई के। अच्छा, फलोई से ही है। तो कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं यहाँ? यहाँ पर कोड़ पत्री से चीज़। कोड़ पत्री से? वो कह रहे थे कोई जंगली जंगली थूम और वो कौन कौन से बता रहे थे पीछे जो भाई चुन रहे थे? साजिद को जानते हैं? वो चिंगम की तरह होती है, उसका क्या नाम होता है? गुलदूप। क्या जी? गुलदूप बोलते हैं। गुलदूप, अच्छा। वो निकाल के उसको साफ करके खाते हैं। बेटा तुम्हारे ये कितना सफर है, कितनी दफा से यहाँ से गुजरे हो? ये पहली दफा हमने साथ लाया, इसको रास्ता दिखा रहे हैं, इसको भी ट्रेन कर रहे हैं जड़ी बूटियों में। तो ये फिर मैं सबसे कीमती कौन सी जड़ी बूटी होती है इस रीजन में? ये जंगली बूटी है, वो थूम जो आप कह रहे हैं वो पिपरीस, ये दो चीजें। अच्छा, थूम। तो ये थूम क्या, ये जो जिस तरह का हमारा थूम होता है उसी तरह का टमाटर, लेकिन उसकी एक वैसे टमाटर की तरह कभी उगा हुआ था चीज, टमाटर से वो वैसे ही नहीं होंगे। थूम दो किस्म के हैं जंगली। अच्छा, एक है इस तरह गोल सी होती है, दूसरी गोल सी होती है लेकिन वो खाने की होती है। खाने की होती है। हमने उधर जिधर रात गुजारी है ना, तो वहाँ पूरी एक फैमिली ना इसी पर्पज के लिए रुकी हुई थी। साजिद वो मरनाड से थे, मरनाड से थे, वो जड़ी बूटियां चुन रहे थे ऊपर भी और नीचे भी और इधर। अच्छा, पितरीज का सीजन। ये किस तरह की पत्ते वगैरह टाइप होती है क्या? अच्छा, देखो सही, इसकी क्या ये 5000 किलो है, 5000। अच्छा, एक और वो खुम्बी टाइप की भी तो होती हैं गुच्छी वगैरह, वो भी बड़ी महंगी होती है। उसमें भी है किस मर्ज के लिए होती है? ये सर दर्द बुखार, सर दर्द बुखार और ये खांसी वगैरह जो होती है ना, ठंड लगती है इसके लिए वो दवाइयां इस्तेमाल करें। इसको उबालते ना जैसे चाय बनाई है ऐसे उबाल के फिर इसमें ये कहते हैं गुड़ वगैरह डालते हैं, ठंडी करके एक कप पी के सिरप बनता है, यानी कि सिरप 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 बनता है। हम देसी इस तरह अपनी तरतीब से बनाते हैं, बाकी उधर तो वो कंपनी वाले अलग करते हैं। अच्छा, मतलब आप दवाई बना के भी बेचते हैं फिर आगे? बेचते नहीं है। अच्छा, मतलब घर इस्तेमाल के, हर बंदे के पास होती है। तो ये फिर पिंडी वगैरह में ही बेचते होंगे, राजा बाजार वगैरह? ये राजा बाजार गाड़े जड़ी बूटियां। ठीक, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार। अल्लाह ताला ने यहाँ भी खजाने रखे हैं। पत्थरों वाला काम नहीं करते आप लोग? करते हैं बाद लोग, लेकिन हम लोग नहीं करते। वो अपना अपना एक शोभा होता है, किसी का दिल। हाँ ऐसे ही है वो तो, साफ जरा उसका जानवर वगैरह भी तो आपने रखे हुए होंगे ना साथ में? हाँ, हमारे डेरे हैं इधर नीचे, हमारा अपना माल मवेशी इधर है। अरे नीचे ये इसी फुलवाई से आगे जो आपके आते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलें जी, जदा अगला शुक्र। इस वक्त हम पास से नीचे उतर रहे हैं, यहाँ बकरवाल और खच्चर चराने वाले कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के मेरे ख्याल में टेंट लगा रहे हैं। आई थिंक शायद ये रात यहीं रुकेंगे और कल यहाँ से पास करते हुए वापस जाएंगे। फॉर द बेस्ट।
कुछ इनके साथ बच्चे हैं, ख्वातीन हैं, हर खतून है, इनका सामान गिर गया है। बंदे आ गए आपके? आप किधर आते हैं? वो पता नहीं ऊपर जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे बंदे तो इधर ही आ रहे हैं ना। नहीं उठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस खतून का सामान घोड़े पर रखने के बाद और इसकी हेल्प करने के बाद अब मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। आगे भी काफ़ी टेंट और लोग मौजूद हैं। इसने बहुत गिला शिकवा का इजहार किया है अपने मर्दों से मुतलक। बहरहाल खुदा हम युनासिर हो इसका। सामने के पहाड़ों से उतरते हुए अब हम इस लश्करीन वैली में दाखिल हो चुके हैं। ये एक चरागाह है नेचुरल, जहाँ बकरवाल और जानवर चराने वाले लोग दूर दराज से आए हुए हैं। ये एक सरसब्ज़ शादाब चरागाह है नाले के किनारे। यहाँ कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि अपने जानवर चराने के घर से मौसम गर्मा में कई माह यहाँ गुजारते हैं। उनके साथ काफ़ी छोटे छोटे बच्चे जो कि शायद साल से भी कम वो भी हैं। इसी तरह इस तरफ भी नाले ने एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार की हुई है और वैली दूर दूर तक फैली हुई है। इन शॉर्ट, ये खूबसूरत चरागाह या मेडू है। तूने हमें देखकर भौंकना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली वो अपने रीजन की रखवाली कर रहे हैं।